नमस्ते वेलकम बैक टू लर्न इज सेवन एट सिक्स अस लर्न द लेसन भोला राम का जीव फ्रॉम राष्ट्रभाषा विशारद रिटन बाय श्री परसाई वेरी ब्यूटीफुल लेसन लेट इस लर्न टुडे बिफोर दैट ए स्मॉल रिक्वेस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल हु हुर नॉट एट सब्सक्राइब एंड क्लिक द लाइक बटन प्रेस द आइकन

ट्वेंटी सेकेंड 1924 ट्वेंटी फोर स्वर्गवास डेथ अगस्त टेंथ 1995 नाइन्टी फाइव बर्थ प्लेस जमानी गांव, मध्य प्रदेश इस इज अ प्लेस ही बॉर्न जीवनी हिज लाइफ नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद श्री हरिशंकर परसाई ने अध्यापन कार्य किया After obtaining the M.A. degree from Nagpur University, he did teaching profession. He accepted, he adopted the teaching profession. साहित्य के प्रति रुचि के कारण अध्ययन कार्य छोड़कर उन्होंने आजीवन साहित्य सेवा किया। As a result of Lautvors uh, literature and the fondness of literature

आर दैन स्केच द कैरेक्टर लाइक दैट मैनी थिंग्स इंक्लूड्स इन द सस्मरण रेखाचित्र ड्राइंग चित पत्र लेटर साक्षात्कार इंटरव्यू निबंध लेखन दैट मीन्स ऐसे राइटिंग के साथ इन्होंने बैंगा लिखने में अपना नाम सार्थक बनाया बिसाइड्स राइटिंग स्टोरीज ड्रॉइंग लेटर इंटरव्यूंग ही गॉट इज एक्सेलेंसी इन सेटर मसुदा तथा साप्ताहिक प्रहरी पत्रिका के संपादक के साथ साथ धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में वे लिखते रहे बिसाइड्स बींग ए एन एडिटर ऑफ वसुधा एंड प्रहरी ही स्ट राइट द इन धर्मयुग एज वेल एज द हिंदुस्तान वीकली साप्ताहिक मीन्स वीकली हिंदुस्तान ही स्ट राइट द इन द बोथ द मंथली एम वीकलीस मिस् इट्स बींग ए एडिटर हिस्ट्रर द इन द वीक्ली सार्सो दे रचनाएँ हिज हीज़ बेस्ट वर्क आई मीनज राइटिंग्स उनके दिन फिरे हिज फेमस राइटिंग्स हंसते हैं रोते हैं बोलती रेखाएँ तिरची रेखाएँ आदि दिसज आर द वेरी पॉप्युलर राइटिंग्स ऑफ हिम नाव द साम भोलाराम का जीव श्री हरिशंकर परसाई की व्यंगात्मक शैली का सुंदर उदाहरण है भोलाराम का जीव द स्टोरी इज द वेरी फेमस सेटरिकल एक्सापल ऑफ इज सेटेर इज ए ब्यूटिफुल एक्जाम्पल ऑफ इज सेटर सरकारी कार्यालय में फर्स्ट ऑफ ऑल मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी भोला राम का जियो मीन्स भोला राम इज द नेम ऑफ द पर्सन जियो मीन्स सोल दैट इज द टाइटल ऑफ द लेसन भोला राम का जियो मीन्स भोलाराम सोल सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण करने के, के साथ मनुष्य के स्वभाव के बारे में यह कहानी प्रकाश डालती है दिस Besides focusing on corruption and bribery in government offices, here it shows the, it focuses on the human nature. The story focuses on besides bribe and corruption, the story focuses on human nature. यमपुरी में एक समस्या ए प्रॉब्लम इन डिवाइन वर्ल्ड देर आर टू वर्ड्स ना भूलोकम आई मीन एर्थली वर्ल्ड हेवनली वर्ल्ड हियर यमलोक दैट इज परलोक डिवाइनली वर्ल्ड दैट इज द प्रॉब्लम इन डिवाइनली वर्ल्ड व्हाट इस दैट दैट वी आर गोइंग टू सी यम यमपुरी में चित्रगुप्त परेशान थे इन द डिवाइन वर्ल्ड चित्रगुप्त वास वेरी बर्दर्ड बरीड मृत्यु के पाँच दिन बाद भी भोलाराम का जीव अभी तक यमपुरी नहीं पहुंचा इवन आफ्टर फाइव डेज ऑफ द डेथ भोलाराम सोल नॉट रीच वर्ल्ड। धर्मराज ने उनसे उन इसके बारे में प्रश्न करना शुरू किया देन धर्मराज

अपना पूरा बल लगाकर कर ही भोलाराम के जीव को ला रहा था ही सेड विद द सेम फोर्स वॉट आई ईज टू अप्लाई वेल ब्रिंगिंग द सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आई डिड द सेम टू दिस पर्सन आल्सो आई वॉज ब्रिंगिंग विद द सेम फोर्स बट लेकिन पता नहीं क्या माया जल हुआ बट आई डोंट नो वॉट मिराकल इज हैपेंड भोला राम का जीव छूट गया ही सोल सोल आउट ड्रॉप डाउन आउट चित्रगुप्त ने आजकल के लोगों के बारे में उनके छल कपट के बारे में धर्मराज को समझा देन चित्रगुप्त एक्सप्लाइंड द करेंटली डिसेप्शन डिसेप्शन ऑफ द पीपुल धर्मराज चित्रगुप्त एक्सप्लेन आल द डिसे अंड चीटिंग ऑफ द पीपुल करंटली करंटली चीटिंग एंड द डेप डिससेपन ऑफ द पीपुल टू द धर्मराज धर्मराज इस पर चिंतीत हो रेह देस इन इन दिस वर्ड लिजन इन दिस थिंग्स अबउट द करंट डिसेपन इन द earthly world and the people behave. listening all these things knowing all these things he became sad worried narad then he narad a guard. narad as a embassy he went down to the earthly world tab narad Baha. by the time he came there well chitragupt and dharmaraj was स्पीकिंग टू इच अ दें द कन्जेशन इज गोइंग बिटवीन दम बाई द टाइम नारद रीच द प्लेस धर्मराज को उदास देख कर उन्होंने पूछा समस्या क्या है सीइंग दैट टू द धर्मराज हिस्कर हो नारद ऑस्क द धर्मराज वाट इज द प्रॉब्लम नारद नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई इवन नव ऑल्सो वेलिंग प्लेस ऑफ डिवाइन लिबोल्ड इज नॉट इट्स फॉल्ट द प्रॉब्लम ऑफ वेलिंग प्लेस ऑफ द हैवन लिबल नॉट इट्स फॉल्ट यमराज ने कहा देन यमराज टोल यह वहाँ नहीं दूसरी समय से दिस इज नॉट दैटमेंट दिस इज डिफरेंट दिस इज अनदर भोलाराम नामक एक आदमी की मृत्यु पाँच दिन पहले हुई थी भोलाराम पर्सनस डेथ ट हैपेन्ड इन फाइव डेज एगो उसका जीव ब्रह्मांड भर ढूंढने पर भी नहीं मिला इवन दो सचिंग एंटायर द वर्ल्ड हिज सोल इज नॉट फाउंड एनीवेयर इस पर नारद ने पूछा देन आफ्टर लिजन इन दिज वो नारद आस्ट कहीं इनकम टैक्स वाले पकड़ कर तो नहीं रखे इज इट नॉट सर दैट इनकम टैक्स हैज बीन कैप्चर्ड हिम तभी चित्रगुप्त ने बाय द टाइम चित्रगुप्त टोल्ड वहाँ तो भूखमरा था ही राइड इन द सॉर्वेशन नारद धूत बनकर धरती पर आए देन ही केम टू नारद केम टू वाक इन टू एयली वर्ल्ड राम का जीव जीवन ना वी आर गोइंग टू सी द दट इज द लाइफ ऑफ भोला राम एक्चुअलिटीज चित्रगुप्त से उसका पता पाकर नारद सीधा सीधे जबलपुर के घमापुर महल्ले पर गए फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ भोलाराम होम सिंपली स्ट्रेट ही रिचरदा द रामस होम भोलाराम का घर पहुँचे ही द भोलाराम होम पैंसठ साल का भोलाराम सरकारी नौकर था सिक्सटी फाइव ईयर्स ओल्ड भोलाराम वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाँच साल पहले रिटेल हो चुका था ए फाइव ईयर्स एगो ही हैड बीन रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब नारद के पूछने पर उसकी पत्नी भोली उन्हें गरीबी की बीमारी बताई बैन नारद दास को वाट इज द रीजन बियान्ड इज डेथ हिज वाइफ टोल दिस इज़ अ डिसीज ऑफ पावर्टी ही डाय द डिसीज ऑफ पावर्टी पाँच साल के बाद भी पेंशन नहीं मिलने पर गहने बर्तन आधि बिके। इवन आफ्टर फाइव ईयर्स ऑफ द रिटायरमेंट पेंशन डी इन गैट इवन ऑल द बेसल्स एंड द आर्नामेंट्स एवरीथिंग सोल्ड ऑफ चिंता तथा भूख से सताए जाने पर भोलाराम को जगत छुनना पड़ा सो वरी एंड स्टार स्टारवेशन दीज टू थिंग्स मेड हिम टू डाई वन इज द वरीज फॉर नॉट गेटिंग द पेंशी एवन एन आफ्टर द फाइव इयर्स ऑफ द रिटायरमेंट देन द स्टारवेशन नो मनी टू लीड द लाइफ दिस इज द टू थिंग्स मेड हिम टू डाई नारद सरकारी कार्यालय में देन नारद एंटर इन द गवर्नमेंट ऑफिस दैट इज uh, um, सरकारी ऑफिस दफ्तर कार्यालय में दफ्तर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस uh, नारद को अब उसकी कहानी पूर्ण रूप से मालूम हो गए देन ही स्टोरी ऑफ भोलाराम उन्होंने समझ लिया कि भोलाराम अपने पेंशन ना मिलने की चिंता से मरे देन ही केम टू नो बिहाइंड हिज डेथ इज द स्टारवेशन उसका जीव वही सरकारी कार्यालय में हो सकता है सो ही थाट द नारद था नारिज सोल हैव बीन इन द सेम ऑफिस फ्रॉम वेर ही डिन गेट द पेंशन पेंशन ऑफिस सरकारी कार्यालय में वे खुद गए ही हिमसेल्फ वाक वाकडिंग टू गवर्नमेंट ऑफिस दैट इज़ द रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट पेंशन ऑफिस वहाँ के बाबू उन्हें वजन के बारे में समझा रहे थे देर ही नोटिस द बाबू मीन्स ऑफिसर वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द वेट नारद को बड़े अफसर से मिलने का निदर्शन मिला देन ही टू मीट द चीफ ऑफिसर हेड ऑफ दारद सीधे उनके कमरे में चल गए स्ट्रेट ही एंटर्ड इनटू द रूम ऑफ हेड ऑफ द पर्सन हेड पर्सन दट मीन चीफ ऑफ द ऑफिस चीफ ऑफिसर बिना अनुमति के ही वे अंदर चले विधाउट परमिशन इट स्टेट ही एंटेड इंटू द रूम बाबू ने उनसे आने का कारण पूछा देन द यफिसर ऑफ द रीजन बिहाइंड इज अरेवर वाई यू एंटेट द रूम विदाउट परमिशन वट यू वॉन्ट दीज वर्ड्स अटेड बाई द ऑफिसर देन भोलाराम का जीव नाउ वी आर कमिंग टू सी द भोलाराम सोल अफसर ने उनको समझाया कि सरकारी कार्यालयों में घूस के बिना कुछ नहीं चलता इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफिसेस नथिंग कैन बी डन विदाउट ब्राइब ब्राइबरी कोई भी काम बिना रुपये के नहीं चलता विदाउट मनी नो वर्क विल बी डन विदाउट वर्क नो वर्क वुड वुड बी बी डन नारद के हाथ के वीणा को देख कर उनका मन लल जाया सींग द वीणा इन दैंड ऑफ नारद

उन्होंने नारद के हाथ से वीणा छीन ली देन ही स्नेच द बीना फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नारद नारद कुछ नहीं कर सके ही आने वेल टू डू एनी थिंग ही वॉज स्पीचलेस वे तो उनको देखते ही रह गए ही वॉज जस्ट ही वॉज जस्टे स्टेयरिंग टूवर्ड्स द ऑफिसर तभी बाबू ने चपरासी से भोलेाराम का फाइल लाने के लिए का आफ्टर स्नैचिंग द वीना फ्रॉम द नार देन ही गिवन द ऑर्डर टू द कंपाउंडर टू ब्रिंग द फाइल ऑफ बोलाराम फाइल इन दस्तावेजों से भरा हुआ था द फाइल द कबोर्ड इज फिल्ड विद द डॉक्यूमेंट्स दर्जा से भरा था आ द हैड बीन प्लेस्ड इन द कबोर्ड्स दर्जिया से भरा था नाम निश्चित करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से पूछा तो नारद ने समझ लिया कि साहेब कुछ ऊंचा सुनता है देन मार्स अगेन ही आस्ट अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन देन ही दैट द मैन वॉज ए लिटिल डेफ ही कैन लिजन बोनली हाई टोन्स हाई पिच उन्होंने जोर से कहा भोला राम देन विद इन इन लाउडर इन द लाउड वॉइसाराम भोलाराम का जीव उसी फाइल में अटका हुआ था बेन इन शॉर्ट इट एज ए भोलाराम दोल विच द फाइल स्ट्रक इन दाइल साई एंड बीन देयर इन द

आवाज़ सुनते ही साहेब कुर्सी से लुढ़क गए लिसनिंग द वॉइस ऑफ द सोल विच ऑलरेडी नॉट देन नो इट इज नॉट द पर्सन वॉइस इज इज द वॉइस ऑफ द सोल लिसनिंग द अनॉन वॉइस वॉट हैपेन दिस द ऑफिसर सिंपली फेल डाउन फ्रॉम द चेयर नारद ने कहा भोला राम आप तुम मेरे साथ यमकुर चलो देन नाट अटेन ओके बलराम कम आना विथ मी लेट्स गो टू न्यू वर्ल्ड मैं तुम्हा तुम्हें लेना आया हूँ आई केम टू टेक टू हैवे न्यू वर्ल्ड राम के जीव ने कहा देन द सोल सेट भोलाराम सोल सेट मैं तो यही अटका हूँ आई एम स्टक हियर इट सेल्फ पेंशन की अपनी दस्ता दस्तावेज़ें छोड़ कर मैं आ नहीं सकता आई कॉन्ट कम विदाउट गेटिंग द पेंशन द पिटीशन वाट ए कैप फार देंशन ई कैंट लू एंड कम सेट दोलॉफ बिशेषता द इंपार्टें कथा वस्तु कथा वस्तु मीन प्लाट सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा घूस पर कहानी आधारित है दिस स्टोरी इज बेस्ड आरप्शन एज वेल एज द ब्रैबरी भोला का जीव पेंशन के लिए तड़पता है भोला सोल व लैंग्वेसिंग फॉर द चेक ऑफ फॉर पेंशन भोला सोल लैंग्वेसिंग फॉर पेंशन समाज के गरीब आदमी का चित्रण करने में सफल सिद्ध होता है हियर इट इज वेल डिस्क्राइब द पुअर मैंस लाइफ स्टोरी बंगा की असली शैली कहानी में उपलब्ध है द सेटेरिकल स्टाइल इज बीन देर इन द स्टोरी कथोपकथन नरेशन कथोपकथन कहानी को रुचिकर बनाने में काम आई नरेशन इज बिके इट एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी इट एनहेंस द ग्रज ऑफ द स्टोरी व नरेशन पात्रों के विचारों को सही तरह व्यक्त करने में कथोपकथन बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है टू स्केच द कैरेक्टर्स द नरेशन इज बीन वेरी हेल्पफुल टू स्केच द कैरेक्टर्स नरेशन हैज़ बीन हेल्प 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 हेल्पफुल ना उदाहरण द एग्जापल आप है वैरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते दिस इज वन एग्जापल इज गिवन है यू आर वैरागी वैरागी रेक्ल्यूज दैट दट रिटायरमेंट ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशन यू नो नथिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफिस दिस इज वन सेंटेंस इज गिवन फॉर द एग्जापल ना उद्देश्य द एम द इंटेंशन सरकारी कार्यालयों में व्याप्त घूस तथा भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना कहानीकार का उद्देश्य रहा तो ओनली वन एम टू राइट दिस स्टोरी इज ओनली टू फोकस आर प्रोब ऑन करप्शन एज वेल एज अ ब्राइबरी अपने उद्देश्य की पूर्ति में कहानीकार पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुए इट इज़ वेल ही वाज सक्सीडेड इन द एक्सप्लेनिंग इन फोकसिंग बोथ करप्शन एज वेल एज द बराबरी भाषा और शैली द लैंग्वेज एंड द स्टाइल भोला राम का जीव कहानी में भाषा और शैली दोनों में व्यंगा भरा पड़ा है इन द बोथ लैंग्वेज एज वेल एज दाइल द स्टोरी हैज बीन फिल्ड विथ सेटेर कहानी को रुचिकर बनाने में भाषा और शैली का काम सराहनीय रहा वेरी एडमरेबल बोथ द लैंग्वेज एंड द स्टाइल टू मेक द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग पात्र चरित्र चित्रण नाउ द कैरेक्टर्स एंड द स्केच द कैरेक्टर्स बोथ कैरेक्टर्स नाउ भोला राम का जीव कहानी में भोला राम और नारद दो प्रधान पात्र इन द स्टोरी ऑफ भोले राम ओनली टू कैरेक्टर्स आर द मेन कैरेक्टर्स वन इज भोलेराम द अदर वन इज नारद दिज आर टू मेन कैरेक्टर्स पात्रों का चित्रण उचित रूप से किया गया है दिस इज बोथ द कैरेक्टर्स एंड ऑल द कैरेक्टर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड वेल डिस्क्राइब्ड कहानी कला की दृष्टि से भोले राम का जीव सफल कहानी है एज द एक्सेप्ट ऑफ द um style feelings uh, emotions and the um, writing every way in every way in every aspect Bholaram lesson is being successful this story is very successful story because the title what is the title as far the title the story is being narrated written and by the way the two things, what is not then the, by the time of the writer, even now these two things has uh, have been strongly rooted in the society. One is corruption; the other thing is bribery. Bribe without bribe, nothing can be done. Even now also, you might be finding in the papers, in the newspapers, as well as the in the new um, TV, you you might be listening many things about the cheatings and. Uh, Corruption, many things. Even now also, this is not at all totally banished. Even now also, this type of evil is still there in our society. So, in this way, the writer Harshankar Parsai is beautifully and every way, in every accept he has been successful in writing this story. Harishankar Parsai. Hope I think this story is uh, you might have understood and uh, the relevant the story of this lesson. Suppose if you like the way of my explanation, don't forget to subscribe my channel once again. Click the like button, press the bell icon, share with your friends, like, share, comment, and subscribe. Give your comments regarding this story. If you have any doubts regarding this one, please inform me. In the comment box, accordingly, I will do it. Next, till the next upload, take care of yourself. Have a nice day. Bye bye. Jai Hind.